यहाँ आप थोड़ा देख लीजिए ड्राइंग में डिजिट कैसी है, 400, 100, 346, 103, 73, है ना। तो अगर मैं 10 10 की डिजिट रखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगी, है ना। तो ग्रिड को मैं 10 ले रहा हूँ क्योंकि बड़ी ड्राइंग बनने वाली है, डेटा उसका बड़ा है, ठीक है। जूम एंड ऑल, आफ्टर दैट दिस वन, ठीक बेटा। अब मैं इस चीज को बनाने वाला हूँ तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान दो, ये बड़ा वाला जो ये कॉर्नर वाला जो सर्कल है उसका आउटर डायमीटर कितना है, 100, ठीक है कि नहीं। यस सर, और इनर डायमीटर कितना है, इनर डायमीटर कितना है ये रेड वाले का, 50, गुड, ठीक है। और इधर का अगर अंदर वाला जो ये बड़ा वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना दिख रहा है, 103, गुड, 103, गुड, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर है इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर का गैप अगर मैं बोलूं तो कितना है, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर का गैप ढूंढो, है ड्राइंग में ढूंढो, 200, हाँ बेटा 200, वेरी गुड। ये 400 का आपको डायमीटर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, है ना। यस सर, तो इसका हाफ हो जाएगा रेडियस, दैट विल बी 200, ठीक। अब यहाँ पे जो ऐसा ये जॉइंट है, देखो ध्यान दो, ये वाला है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये कर्वेचर के साथ है बेटा, है ना। तो ये कर्वेचर कैसा है, 346, ये भी 346 है, ये भी 346 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो थोड़ा, ये जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी की हाइट कितनी है, 63, गॉट इट। और जो लास्ट वाले कॉर्नर वाले जो सर्कल हैं, अगर उनको उनकी हाइट थोड़ी सी एक्सटेंडेड है, ठीक है, तो उनकी हाइट 73, ठीक है। पहले ना अपने को बनाने के पहले ड्राइंग को एक बार रीड करना चाहिए हमेशा, ताकि हम कोई डेटा मिस ना करें। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। तो अभी अपन रेफरेंस पॉइंट क्या ले लेते हैं, मान लीजिए सर्कल का सेंटर ले रहा हूँ, तो एक्सट्रीम पॉइंट से लेके इसका सेंटर कितना होगा, थोड़ा सोचो तो, काउंट करो, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक 200 हो गया, 250 प्लस ये टोटल 100 का डायमीटर था तो ये 50, तो 250 का डायमेंशन होना चाहिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक। और अगर मैं बोलूं कि ये जो तीनों सर्कल हैं, है ना, वो इक्वल एंगल पे है कि नहीं, इस सर्कल से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों साइड, है कि नहीं। yes, सर, तो कितने yes, कितने डिग्री पे होगा, मतलब मैं अगर इसको जोड़ा इसके साथ एक लाइन से, फिर इसको जोड़ा इसके साथ, तो कितना डिग्री बनेगा, That will be how much? 120 degree. Very good. 120 degree. तो अपन क्या करते हैं, 120 degree के हिसाब से इस तरीके से इसको बनाएंगे, बाद में उसको इरेज कर देंगे। तो मैं क्या करूं, थोड़ा बताओ, आइडिया दो। बनाने के तो बहुत तरीके हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है बेटा, एनीबडी? इनर सर्कल पहले बना सकता। क्या बेटा? इनर वाला सर्कल पहले बना सकता। मिडिल वाला सर्कल पहले बना सकते हैं। सेंटर क्या लिया जाए, अगर मैं बोलूंगा सर्कल तो सर्कल क्या पूछता है, सेंटर पॉइंट पूछता है ना, अपन क्या बताएंगे, डायमीटर 103। हाँ, डायमीटर एंड सर्कल, सेंटर पूछता है ना, तो सेंटर डायमीटर तो अपने पास 103 है बेटा, है ना। इसका सेंटर अपन क्या बताएंगे, ओरिजिन से, ओरिजिन अपने को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, या तो आप यहाँ रख दो, या तो आप यहाँ रख दो, यहाँ तो आप यहाँ रख दो। अगर मैं यहां रख दूं मान लो सेंटर ओरिजिन को, है ना, या कहीं और रख सकते हैं, क्या किया जाए, एक काम कर, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी जाएगा, फिर अगर यहां ओरिजिन रखता हूं मैं ये सेंटर पे, तब उसके हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो यहां से एक लाइन अगर मैं इसके साथ ज्वाइन करता हूं, और यहां से
एक लाइन इसके साथ ज्वाइन करता हूँ तो दोनों आपस में 120 डिग्री बनाएगी कि नहीं बेटा? यस सर बनाएगी। और एक बेस लाइन yes, अपन ले लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक बेस लाइन, ठीक है? हमको क्या पता रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का भी होगा और 120 डिग्री पे होगा, होगा क्या? हाँ जी यस सर होगा ना। इसको अगर मैं x एक्सिस पे रखता हूं मतलब इस डायरेक्शन में, थोड़ा ध्यान देना, इसको थोड़ा सेलेक्ट कर रहा हूं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक एक्सिस मान लेता हूं, x एक्सिस मान लो, x या y कोई भी एक्सिस है ना, उसके करस्पॉन्डिंगली मैं इसको बनाने वाला हूं। चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां ध्यान दो मैं 3D में इसको डायरेक्टली लेके जा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा इमेजिनेशन ठीक रहे। ये 3D है, ये x एक्सिस दिख रही है आपको, इसको रियलिस्टिक कर लेते हैं, दिस वन x एक्सिस आपको दिख रही है, x एक्सिस के इसमें पैरेलली इसको अपन बनाने वाले हैं, ठीक है बेटा? तो मैं बनाता हूं पहले रेफरेंस के लिए line लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लूंगा, 0, 0, 0 दिस वन, ठीक है? आया नहीं आया? आ गया सर। ओके अब थोड़ा बताओ ये कितना एंगल होना चाहिए, इसको थोड़ा खोजना पड़ेगा, इसका x एक्सिस से कितना गैप अपन बोले या y एक्सिस से, या तो एंगल पता रहना चाहिए तब तो ये पॉइंट लोकेट कर पाएंगे, कितना होना चाहिए, इसको इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, फिर इसको इसके साथ फिर से जोड़ दिया, तो यहां जो ऐसे लाइन बनी वो कितने डिग्री पे बनी बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कितने डिग्री पे बनी, 120 डिग्री, ठीक है? और क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो यहां वाला जो एंगल आएगा दोनों वो कितने डिग्री पे होना चाहिए, 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री होना चाहिए सर? क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 180 होता है और वहां 120 है तो इधर इक्वल एंगल्स होंगे इसीलिए 60 को 2 में डिवाइड कर। वेरी गुड, ठीक है, वही मैं चाह रहा था, आप लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं। यहां से यहां अगर जोड़ता हूं, इसको यहां से जोड़ता हूं और इसको यहां से जोड़ता हूं तो मेरे पास एक ट्रायंगल बनता है, दैट विल बी 180 और यहां 120 हमारे पास पहले से है, ठीक है? तो 180 माइनस 120 करूंगा तो ये दोनों एंगल का सम आएगा और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 30 डिग्री। आया बेटा समझ में? यस सर। तो मैं यहाँ अब क्या बनाऊँ वो बताओ, एट द रेट हाउ मच लेंथ, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, यहाँ सेंटर रख रहा हूँ मैं 200 है ना, तो एट द रेट, अटेंडेंस बंद कर देता हूँ पहले तो, हाँ एट द रेट 200 एंगल कितना लू बेटा, 30, हाँ लाइक दिस, हेलो यस सर, फिर आगे क्या लू, एट द रेट आगे क्या लू, 200 एंगल 120, एंगल 120 होगा, चलो करके देखते हैं, एट द रेट 200 एंगल 120, ये तो गलत हो गया, ये तो ऐसा चला गया, कितना एंगल होगा, हमको ऐसा आना है सर, 300 होगा। क्यों 300 होगा सर? क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल ले रहा है। देखो ये क्या है, ओरिजिन है, अब गॉट इट,
कर्सर में देखो, रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर की लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ग्रीन यस कलर की लाइन दिख रही है कर्सर में जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और जेड एक्सिस में एक लाइन है जो कि पर्पल कलर की है, दिख रहा है बेटा? और जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो क्या है? अब हमारा ओरिजिन है ना? तो अगर मैं यस डालता हूँ सर एट द रेट 200, तो एंगल मैं कहाँ से काउंट करूंगा? एक्स एक्सिस से ना। एक्स एक्सिस से अगर टोटल टॉप व्यू से सोचो, यानी अब थोड़ा सा सोचना ना, मैं स्केप कर रहा हूँ। इस लाइन से अपन ने 30 डिग्री कैसे लिया बेटा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से सोचो, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। तो सिमिलर पैटर्न में क्या ये नहीं होगा? अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करो और 120 भी आना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए फिर? टोटल अगर घूम जाऊंगा तो 360। 360 से मैं कितना माइनस करूं कि वो 120 बन जाए? नहीं आ रहा, मैथमेटिक्स है यार। 240 सर, 240 नहीं अच्छा चलो, मैं एक चीज बना के सिखाता हूँ आपको, ठीक है? यहाँ ये बना रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ अभी, आप समझिए बस। कोऑर्डिनेट नहीं समझ में आएगा तो कैसे बनाओगे, है ना? ये ओरिजिन है, ठीक है बेटा? इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर माइनस एक्स एक्सिस है, इधर माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा? ये क्या है? ओरिजिन है ना बाबू? समझ में आया बेटा? यस सर ओके okay. अब यहां से अगर मैं 30 डिग्री लेता हूं एक्स एक्सिस से तो ऐसा जाएगा, 90 डिग्री लूंगा तो ऐसा जाएगा, 120 लूंगा तो ऐसा कहीं जाएगा जैसा अभी गया था, फिर 180 लूंगा ऐसा जाएगा, 190 या 185 या फिर 200 लूंगा तो कुछ ऐसा जाएगा, 270 लूंगा तो कुछ ऐसा जाएगा, और 270 के बाद 280, 283 कुछ ऐसा लूंगा तो ऐसा जाएगा, और वापस अगर ऐसा आ गया तो ये 360 हो गया, मतलब दैट विल बी 0 डिग्री। आया? अब मेरे को क्या करना यस है? सर एक लाइन ऐसी बनानी है, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है? मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट, ये सॉरी, एक रेफरेंस पॉइंट यहां से पहले से है, मेरे को इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? 120 डिग्री चाहिए, ठीक है? आया? तो क्या ये बाइसेक्ट नहीं करेगा इसको और इसको, इनको और इसको, ये 120 डिग्री को ये लाइन बाइसेक्ट यस करेगी सर कि नहीं करेगी? करेगी ना बेटा? हाँ? यस सर तो अगर बाइसेक्ट कर देगी तो ये कितना डिग्री बचेगा? 60 डिग्री। और ये कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। यहां से यहां तक कितना आया? इस लाइन से और इस लाइन के बीच का गैप, ये कितना डिग्री आएगा? नहीं आ रहा है क्या? हेलो हेलो, यस सर यस यस सर सर यहां से यहां तक कितनी आवाज आएगा बेटा एंगल? अरे ये लाइन और ये लाइन 120 डिग्री ईच है, ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अगर इक्वली, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री होगा ना? और बचा वाला यस फिर एंगल क्या होगा? ये वाला, ये वाला कितना होगा? 30 30 30 डिग्री। अब टोटल अगर मैं घूम जाता हूं तो 360 होता है। यस यस सर थ्री सिक्सटी में से मेरे को कितना नहीं चाहिए? ये 30 नहीं चाहिए, तो यस सर 360 माइनस 30, दैट विल बी थ्री यस सर थर्टी 330 हाँ? यस सर
330। हाँ तो अब बनेगा लाइन, देखना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन सेंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दैट विल बी ऑन माय फर्स्ट पॉइंट, ओके स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट दैट विल बी एट द रेट 200 एंगल हाउ मच 330। देखो अब बना, ये तो ट्रिग्नोमेट्री था यार, कैसे कर लिया आप लोग, नहीं बना पा रहे थे इतना देर से, आया कि नहीं आया? यस सर आ गया, देख लो टॉप व्यू में देख लो, देखो आ गया। और ये अगर मैं क्लोज करूंगा तो क्लोज करने की वैसे जरूरत नहीं है, मैं नहीं कर रहा इसीलिए, ठीक है। एक लाइन मुझे और बनानी है, एक लाइन और बनानी है, यहां से कितना जाऊं एट द रेट कितना 200 एंगल कितना लूं, कितने डिग्री पे जाना पड़ेगा, एंगल 90, आया जूम एंड ऑल? यस सर, यस सर, ये ऐसा हुआ, ये भी 120 डिग्री, 200 mm है 120 डिग्री पे, ठीक बेटा। इसका वापस मैं आईसो में लेके जाता हूँ अब आपको, ऐसा ठीक। अब मैं क्या करूं वो बताइए, मेरे को एक रेफरेंस मिल गया, बाद में इरेज कर दूंगा मैं इसको, अब मैं क्या करूं, सेंटर पॉइंट आपके पास मिल चुका है, ये बड़ा सर्कल बना लेते हैं, दैट विल बी 103, तो दिस वन सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पिक बाय माउस, देन डायमीटर इज हाउ मच, दैट इज 103, एंटर, ये हो गया। देन अगेन यहां पे देख लेते हैं, यहाँ अपने को एक सर्कल चाहिए, उसका डायमीटर कितना है, बड़े वाले सर्कल का 100 है और अंदर वाला 50 है, ठीक है। तो डायमीटर पहले 100 दे के खत्म किया, फिर से एक और बना लेते हैं, यही पॉइंट है, दैट विल बी डायमीटर इज 50, गॉट इट, आया। अब मैं कॉपी कमांड यूज कर लेता हूँ, बार बार उसको नहीं बनाना मुझे, क्योंकि कॉपी कर लिया दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, देन एंटर, देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट, दिस इज द बेस पॉइंट, देन इसकी कॉपी कर लिया एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, नहीं पकड़ा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, देन एंटर, बेस पॉइंट, मूव टू ओरिजिन एंड पॉइंट, ओके यहां तक समझ में आया? यस सर। अब हम क्या बनाएंगे, ये जो बड़े वाले कर्वेचर्स हैं, ठीक है बेटा, बड़े वाले कर्वेचर्स को बनाएंगे, तो वो कितने रेडियस पे है, 3, 4, 6, और टेंजेंशियली कौन से सर्कल को टच कर रहा है, टेंजेंशियली थोड़ा बताओ तो, कौन से डायमीटर वाले सर्कल को, 100, तो 100 वाले को, यहाँ वाला 100 को टच कर रहा है टेंजेंशियली, यहाँ वाले 100 को सेट कर रहा है टेंजेंशियली, और रेडियस है, कौन सी मेथड यूज हो जाएगी यहाँ पे, जिसमें हमको टेंजेंट मिलता है, जिसमें हमको टेंजेंट मिलता है, और टेंजेंट मिलता है, दो टेंजेंट मिलने चाहिए और रेडियस मिलना चाहिए, कौन सा कमांड यूज हो जाएगा, आर्क में वैसा है क्या, चेक करो तो, आर्क में तो वैसा कोई भी कमांड नहीं दिख रहा है क्या, स्टार्ट सेंटर ये वो बता रहा है आपको, यहाँ पे सर्कल कमांड में मिल जाएगा, दैट इज 10 10 R TTR, याद आ रहा है, बच्चे वाले को ट्रिम कर देंगे फिर, ठीक है, बच्चे वाले को रिमूव कर देंगे, तो 10 10 रेडियस,
किया मैंने, स्पेसिफाई बेस, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट. तो फर्स्ट टेंजेंट मेरा ये होना चाहिए, सेकेंड टेंजेंट मेरा ये होना चाहिए, और रेडियस कितनी होनी चाहिए बताओ? 346. तो रेडियस में डाल दिया 346. एंटर. देखो बन गया, समझ में आया? यस सर. अननेसेसरी पोर्शन को मैं रिमूव कर दिया, समझ में आया? यस सर. अगेन फिर से मैं टीटीआर पे गया, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस पे. एक बार ये टेंजेंट सेलेक्ट किया, एक बार ये टेंजेंट सेलेक्ट किया, और रेडियस कितना दिया? 346. ऑलरेडी ये लिया हुआ है तो मैं उसको सेलेक्ट किया. सेम चीज फिर से कर लेता हूँ, एक टेंजेंट टीटीआर सेलेक्ट किया, एक बार ये टेंजेंट, एक बार ये टेंजेंट, और 346 का रेडियस. देन इसको ट्रिम कर दिया, एक ट्रिम यहाँ किया, एक ट्रिम यहाँ किया. क्या इतना दूर समझ में आया बच्चों? यस सर. यस सर. अब यहाँ पे बताओ कौन सी चीज अननेसेसरी है जिसको और ट्रिम करना पड़ेगा? ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? या ये 120 डिग्री वाली लाइन. गुड. तो उसको ट्रिम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप रिमूव कर दे सकते हो, डिलीट कर सकते हो सेलेक्ट कर करके. हो गया यहाँ तक? हुआ क्या? यस सर. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको? यस सर. हाइट देंगे, ठीक है बेटा, थिकनेस देंगे. तो यहाँ देखो ये क्या कमांड है, यहाँ पे थिकनेस दे रहा है, हाइट देनी है इसको. कौन सी कमांड यूज होगी 3D में लाने के लिए? एक्सट्रूड. एक्सट्रूड. एक्सट्रूड दे सकता हूँ, एक नया एक्सट्रूड का ही. हाँ, एक्सट्रूड में ही एक नया एक ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, उसी का ही पार्ट है. दैट इज कॉल्ड प्रेस पुल. क्या बोलते हैं? प्रेस पुल. प्रेस पुल एक्सट्रूड का ही पोर्शन है, ठीक है. प्रेस पुल मैंने किया, ठीक. अब थोड़ा ध्यान देना, ये इनर पोर्शन इतना ही बस सेलेक्ट कर देगा, ठीक है. इसकी इसके अंदर मैंने ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर मेरे को क्लिक करना है, यहां नहीं करना है, नहीं तो सर्कल को बस लेगा. कॉमन सेंस लगाते हुए करना है. यहां पे मैंने क्लिक किया, ये मैं क्लिक कर रहा हूं, क्लिक हो गया. क्या हो गया? सेलेक्ट बाउंड्री हो गई. इसकी हाइट बताओ डायग्राम में देख के, इतने कितनी हाइट मेरे को चाहिए? यहाँ पे कितनी हाइट चाहिए? पीडीएफ में देखो, ये देखो कितनी हाइट है? 73. बट 73 नहीं है भाई, 63 है. 63 है. हाँ, तो इसकी हाइट मैं देता हूँ 63, ठीक है. ये देखो ये इतना बना आया. यस सर. अब अगेन फिर से प्रेस पुल कर रहा हूँ. अब देखो मैं ये सर्कल के अंदर क्लिक करूंगा तो गलत होगा. देखो ये चीज बनने लगेगी. मुझे ये चाहिए क्या? नहीं सर. है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पोर्शन पे क्लिक करना पड़ेगा. अब देखो ये चीज चाहिए. यस सर. इसकी हाइट चाहिए थी, है ना. तो ये हमको करना, ऐसा करना रहेगा. तो मेरे को एक यहाँ सरफेस सेलेक्ट करना है, ठीक है. इसको कितना देना है भाई? यहाँ मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, है ना. 73. एक सेकेंड. हाँ एक सेकेंड. फुल पे किया दिस वन, देन मल्टीपल सेलेक्ट किया दिस वन एंड दिस वन. ये कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? फिर से बता रहा हूँ, प्रेस पुल पे क्लिक किया, मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया, है ना. ये वैल्यू देने पूछने लग गया. अदरवाइज आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट अभी करना है क्या, तो मैं मल्टीपल पे क्लिक किया, एम लिख के एंटर कर सकता हूँ. तो ये सेलेक्टेड है, ये भी मुझे चाहिए, और तो ध्यान दीजिए ये भी तो चाहिए. नहीं चाहिए क्या? यस सर. यस सर चाहिए. अब एंटर मारूंगा मैं. अब देखो अब ये कितना डिस्टेंस होगा? 73. दिस वन आया बेटा. क्या वही ऑब्जेक्ट बन गया जो हमारा था? यस सर. यस सर. ठीक.
यस सर। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जॉइन। जॉइन, तो जॉइन 2D में होता है, ठीक है? ठीक है, तो yes, यहाँ sir. पे जैसे सब्ट्रैक्ट हुआ था, सब्ट्रैक्ट अपन लिखे थे ना कल, यहाँ होता है यूनियन, ठीक है? तो UNION, यूनियन, यूनियन का मतलब जोड़ देना, ठीक है? 3D में यूनियन उसी को बोलते हैं, ज्वाइन को। तो एंटर किया, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट और चौथा ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, देन एंटर। अब ये एक ऑब्जेक्ट होगा, क्या आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक, बाकी बच्चों को समझ में आया जी? रिप्लाई दीजिए जल्दी से। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, रिमूव। इसमें डाइमेंशनिंग कैसे करेंगे? यहाँ 3D का डाइमेंशनिंग अलग होता है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना? वो भी होता है, 3D का डायमेंशनिंग अलग से होगा, लेकिन हमको उसको नहीं करना पड़ता है, हम उसकी 2D ड्राइंग क्योंकि बनाते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा 3D की ड्राइंग डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, है ना? दिस इज नॉट माय टुडेज लेक्चर। मेरा आज का एजेंडा अलग है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, सेलेक्ट ऑल डिलीट कर रहा हूं मैं, ठीक है? क्या ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आपसे बन पाएगा? तो दूसरा वाला आप बनाएंगे? यहाँ क्या करना पड़ेगा? ऐसा चाहिए, टॉप व्यू में बनाओगे या फ्रंट व्यू में बनाओगे? सर फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में, है ना? तो यहाँ पे चले जाओ फ्रंट, ठीक है? इज लाइक दिस, और इसको कर दो रेफरेंस, ठीक है? अभी थोड़ा देखो इसका आईसो में देखो। ओके, ये साइड व्यू में बनता तो ज्यादा उचित होता। कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, साइड व्यू बनता तो ज्यादा उचित होता, दिस वन। अब देख लेते हैं, साइड व्यू में बनाना ज्यादा अच्छे से बनेगा, ठीक है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे एक्स वाई में, एक्स वाई प्लेन बन गया है, उसको रेफरेंस मैंने कर लिया। अब इस चीज को आप वहां बना सकते हैं, क्या करोगे? सेंटर वाला सर, जैसे मैंने निकाला ना इसका सेंटर का ओरिजिन, है ना, ऐसे इसका ओरिजिन निकालने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक स्क्वायर टाइप का पैटर्न में है, है ना? आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, यानी इस छोटे सर्कल के बीच का सेंटर से इस सर्कल के बीच का सेंटर का गैप कितना होगा? थोड़ा देखो तो, ये 69 का डायमीटर है, है ना? तो 69 का हाफ कितना हो गया? यहां से यहां तक का हाफ यानी 38.5, ऐसा सर? 34.5। 34 पॉइंट, यस सर, 34.5, ठीक है। और यहां इस सेंटर से इसका डायमीटर रेडियस कितना जाएगा? ये देखो, ये 16 का दिखा रहा है, है ना? मतलब इसके सेंटर से, ये जो सेंटर है, इससे यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये बाहर वाला सर्कुलर पोर्शन है ना, कितना होगा? 8 का, है ना? That will be plus 8, क्योंकि 16 का डायमीटर है। ये जो 16 का डायमीटर, वो किसको बता रहा है? बाहर वाले का हाफ सर्कल का डायमीटर बता रहा है,
है ना, तो हाफ का डायमीटर आपको पता है, तो रेडियस हो, रेडियस करोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 42.5 होगा ये। यहां से एक्सट्रीम दैट पॉइंट या एक्सट्रीम दिस पॉइंट दैट विल बी 42.5, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल सेंटर कितना हो जाएगा 42.5, 42.5, ऐसा होगा, ठीक है बेटा। और क्या इसका डायमीटर कितना होना चाहिए सर्कल का अंदर वाला, 20, तो इसका डायमीटर मैं रखूंगा 20 एंड दिस वन, आया? यस सर। अब यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं, ठीक है, तो पहले ये बड़ा सर्कल बना लेते हैं, ये वाला, ये रेफरेंस वाला जो है 69 का, ठीक है, रेफरेंस के लिए ऑनली। तो यहाँ एक और सर्कल बनाते हैं, सी लिख के मैंने एंटर किया, सेंटर वही पकड़ा, और उसका 69 डायमीटर था कि रेडियस था सर, डायमीटर, डायमीटर, तो डी पे मैंने क्लिक किया और 69 क्लिक किया, ठीक है, ये आया, ये क्या हो गया, एक रेफरेंस के लिए है, याद रखना, उसको हटा देंगे बाद में, ठीक है, ये बाहर वाला जो है। अब यहाँ पे छोटा सर्कल एक चाहिए, इसका छोटे वाले अंदर वाले का सर्कल का डायमीटर कितना है, 6 है, तो वो एक क्वाड्रेंट पे है, एक ये क्वाड्रेंट है ना, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं इसको, तो ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक छोटा सर्कल लेंगे, इसके क्वाड्रेंट ऑन नहीं है, तो ओ स्नैप में जाके पहले क्वाड्रेंट को ऑन करेंगे, है ना, ये क्वाड्रेंट कहाँ गया, ये क्वाड्रेंट ऑन नहीं था इसलिए नहीं शो कर रहा था। देन आफ्टर अगेन मैं क्या करूंगा, सर्कल एंड डायमीटर, ये क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट पे ये किया, कितने का डायमीटर रखूं इसका, इसका डायमीटर है 6 का, ठीक है, तो इसका डायमीटर, एक सेकेंड, सर्कल दिस वन डायमीटर 6, ठीक है। अब इसको मैं और क्या कर सकता हूँ, ऐसे बनाना है, तो कितने सर्कल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 सर्कल हैं, तो बार बार बनाऊं क्या सर, कॉपी, अरे अरे कमांड भूल रहे, इक्वल एंगल पे बनेगा, अरे अरे कलेक्ट, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दिस वन, एंटर, कौन सा अरे आएगा, ये सर्कुलर, पोलर या फिर रेक्टेंगुलर, पोलर, पोलर, तो मैंने पोलर को सेलेक्ट किया, एक्सिस का यानी सेंटर ऑफ द एक्स, ये होगा सेंटर ऑफ द एरे इज दिस वन, ठीक है। कितने चाहिए थे, मैं आइटम कितना चाहिए था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चाहिए था, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली 6 ले रहा है, 6 आइटम ले रहा है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ इस चीज को, है ना, एसोसिएट करके इसको मैं क्लोज कर दिया। यहां तक समझ में आया? यस सर, यस सर। अब मैं क्या करूं वो बताओ, इसके बाद बाहर वाला सर्कल जो है वो कितने का है, 16 का डायमीटर है, है ना बेटा, 16 का डायमीटर है ना सर, 16 का डायमीटर, यस सर, तो इसको, ठीक है, और ये जैसे 16 वाला ये ऊपर का ये जुड़ेगा, 16 वाला ऊपर का ये जुड़ेगा, लेकिन ये दोनों को नीचे वाला जो जोड़ेगा उसका डायमीटर कितना है, 20, देखो समझ में आया सर, ऊपर वाला इसका जैसे जुड़ रहा है 16, इसका ऊपर वाला 16, अब ये उन दोनों को जोड़ने वाला जो नीचे का जो कर्व है उसका डायमीटर कितना, रेडियस कितना है, 20, 20, तो 16 16 डायमीटर है और यहाँ रेडियस है 20, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ, फिर इसको भी एरे कर दूंगा, ये ऐसे हो गया, है ना, डायमीटर कितना होगा, डायमीटर इसका कितना था यार बताओ ना, यहाँ वाला जो सर्कल था 16, 16 है ना,
16, ये हो गया। ठीक है, यस सर। अब मैं इसका एक 20 का अरे नहीं, पहले इसको मैं वो कर देता हूँ, अरे बना देता, अरे से इसको यूज कर देता हूँ। ए डबल आर ए वाई, अरे कर दिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है पोलार रहेगा, देन इसका एक्सिस पॉइंट ये होगा, देन एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। देन अब क्या करूंगा, जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है 20, जो कि टेंजेंशियली टच हो रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब क्या करूं, टेंजेंशियली टच करना है, क्या करूं जल्दी बताओ? ऐसा टेन रेडियस, तो टेन टेन रेडियस पे गया, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, एंड रेडियस इज 20. अब मैं इसको ट्रिम कर दे रहा हूँ अननेसेसरी पोर्शंस को। ट्रिम करने के पहले मैं रेफरेंस लाइन को हटा रहा हूँ, अब मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। देन आफ्टर मैं इसको ट्रिम किया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सारी जगह पे ऐसे इसको करना है, मैं क्या करूँ जल्दी बताओ, क्या करूं? अरे ऐसे ही ऑब्जेक्ट मेरे को चाहिए ना, ऐसे ही चाहिए ना अलग अलग, क्या करूं? अरे यार, अरे भूल जा रहे हो बार बार, अरे यस सर। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, पोलर सेलेक्ट किया, एक्सिस सेलेक्ट किया, देखो बन गया, क्लोज कर दिया, आया? Yes, sir. Then, yes, sir. क्या इसमें जब मैं एक्सट्रूड करूंगा तो डिफरेंट हाइट है क्या कहीं पे भी? थिकनेस इसकी डिफरेंट है कहीं भी जैसे पहले वाले में थी? नो सर। नहीं, तो यहाँ पे कोई अननेसेसरी पोर्शन है जिसको मुझे ट्रिम कर देना चाहिए, तो सोचो। यस सर, वो नो सर, आउटर सर्कल, ये वाली सर। यस सर, ये वाली, यस सर, यही सर। हाँ, तो ट्रिम में गया मैंने, और क्यों नहीं हो रहा ये? ओके, पहले ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन दिस वन। ओके, नाउ ट्रिमिंग कर देता हूँ अब। अच्छा सुनो, ये शायद ना एक बार में नहीं ले रहा है, ये ऐसे ट्रिम तो लेता है, नॉर्मल सेंस में ट्रिम लेना चाहिए, ब्लॉक कर दे रहा है, कटिंग एज कर दूं, कटिंग एज ये रिमूव नहीं करने दे रहा है, कुछ इश्यू होगा। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये बड़े वाले सर्कल्स को, और उसको आर्क से बना दे रहा हूँ। ठीक है, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ये कुछ इशू होगा, ये नहीं बनाने दे रहा है आगे, तो मैं इसको सर्कल की बजाय आर्क से बना दे रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ। कितना समझ में आया? Yes, sir. अब मैं इसको एक टेंजेंट रेडियस से रिपीट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टेंजेंट इज दिस वन, दूसरा टेंजेंट इज दिस वन, और उसका रेडियस कितना लेना पड़ेगा, वहाँ 16 था तो ये 8 हो जाएगा, ऐसा वही चीज बनी। Yes, sir. अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ट्रिम कर दे रहा हूँ, अब ट्रिम ले रहा है, कुछ होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, कुछ समझ में आया यहाँ तक? यस सर। देन मैं क्या कर सकता हूँ अब, एरे, एरे कर दिया, ये ऑब्जेक्ट को अरे कर रहा हूँ, एंटर, पोलार,
बेस पॉइंट इज दिस वन और देन ओके। अच्छा ठीक ठीक ठीक, मुझे ध्यान आया, मैं वहां पे जब इसको किया था ना बेटा, मैं एसोसिएट को क्लिक नहीं किया था। ठीक ठीक ठीक, याद आया। थोड़ा ध्यान देना बेटा, थोड़ा ध्यान देना है ना। यहाँ पे मैं ए डबल आर ए वाई अगर अरे किया तो मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया दिस वन एंटर, मैं किया पोलर बेस पॉइंट इज दिस वन, तो यहाँ एसोसिएटिव वहां पे टिक नहीं होगा, दैट्स व्हाई वो एडिट नहीं करने दे रहा था। गॉट इट सॉफ्टवेयर, जब मैं पहली बार बनाया था कुछ समझ में आया? यस सर। देन इसको मैंने ओके कर दिया, अब ये सही है। ठीक है, अब मैं इसको आइसोमेट्रिक में ले जा रहा हूँ वापस। अब मैं क्या कर दूं इसको 3D में लाना है, जल्दी बताओ। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड, अब इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे को सेलेक्ट किया एंटर, प्रेस पुल कर देता हूं, प्रेस पुल किया दिस वन, कितना लेना है 10, 10 आपका ऑब्जेक्ट बन गया। देखो वही चीज बनी है। यस सर, यस सर। ठीक है सर, वो तो ये आपका लेक्चर था। ठीक है, आज आपका मैं बोलूं तो, अगर ऑफिशियली मैं बोलूं तो आपका लैब भी खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें एक डायमेंशन का है तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अदरवाइज 3D में यहाँ पे डायमेंशनिंग की वैसे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मॉडलिंग हम करते हैं यहाँ पे, है ना। बट अगर यानी है तो हम उसको कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, आया, अटेंडेंस हो चुकी है, अगर आपको क्लास छोड़नी है अब आप मिस कर क्लास छोड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ जी।